और इस आखिर से आग्रह करता हूँ कि ज्ञान मंच पर आवे और व्यासदेव जी का महाराज का अभिनंदन करें, तिलक करें, स्वागत करें। श्रीमती कृष्णा यादव जी जो गुप्ता के गुरु जी में रह चुकी हैं, उनसे मेरा सारा अनुरोध है। पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हन्ति नित्यं लक्ष्मी कीर्तिश्वरो वदः सन्ति देवा मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय श्रीमती कृष्णा यादव जी से अनुरोध है कि अपने अंदर की हृदय की वाणी से व्यास देव जी का आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। आज भवना की पावन धरती पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हम लोग के बीच यूपी से मनोरमा सिंह यादव जी आई हैं। सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत इनके लिए आभार प्रकट करती हूँ और इनको और इनकी सारी टीम को मैं अपनी ओर से और गोड्डा जिला की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ इस इलाके से सभी सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, छोटी छोटी बच्ची बच्चे आज इस कथा में शामिल होकर जो आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज किया है, मैं आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें कलश यात्रा के दिन ही आना था लेकिन अपना कुछ कार्य था। उस दिन हमने इनको कहा था कि मैं कलश यात्रा में अगर नहीं शामिल हो पाऊंगी तो आप लोग के बीच ये 7 दिवस का कार्यक्रम है, मैं 1 दिन आप लोग के बीच जरूर आऊंगी। और आज हम आप लोग के बीच आए और मनोरमा सिंह यादव जी का मैंने अभी थोड़ी देर से पहले आए थे और इनका कथा का भी मैंने श्रवण किया। मैं बहुत प्रसन्न हुई इनका कथा सुनकर। तो हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे बाकी जो 3 दिन या 4 दिन बचा है आप लोग व्यर्थ नहीं होने दीजिएगा और काफी संख्या में आकर कथा को श्रवण कीजिए और हम लोग के बीच व्यास जी आई हैं कुछ देने के लिए, हम लोग इनका आदर फैलाकर आशीर्वाद लें और अपने समाज में अपने प्रेस में जाकर इनका प्रसाद लिया हुआ सभी को बांटे और मैं यही आप लोग के बीच
आप लोग से यही आग्रह करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए देवेंद्र यादव जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने अभी कहा कि छोटे से गांव में, ये छोटा सा गांव आपको नहीं दिखा है, हमें ऐसा कार्यक्रम, ऐसा पवित्र कार्यक्रम जिस गांव में होता है वो गांव स्वर्ग हो जाता है। और इन्होंने कहा छोटा सा गांव, ये छोटा सा गांव नहीं, बहुरना, बहुत नाम भी बहुरना है और ये आदमी भी यहाँ का बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना अच्छा कथावाचक हम लोग के बीच लाए हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत नरेंद्र जी का धन्यवाद और इस टीम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना यादव जी, जिन्होंने अपने आभार, अपने उद्गार हम लोग समक्ष व्यक्त की, मैं इनसे अपना भी निवेदन करूंगा कि देखिए इसे, ये जो कार्यक्रम बिना प्रभु की इच्छा से नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति इसे कार्यक्रम को करने किसी में कोई हिम्मत नहीं है, और जो व्यक्ति करते हैं उनकी प्रेरणा से करते हैं। और कहा गया दोनों हरि कृपा में नहीं नहीं संता, भगवान की कृपा है जो इन्होंने अपना मूल्य समय दिया। मैंने इनके संपर्क में नवंबर महीना से लगा था और इनकी कथा में इतनी व्यवस्था है कि इनके अभी भी आगामी 6 महीना तक का कार्यक्रम का बुक है। ये इनका कार्यक्रम हर महीना चलते रहता है, एक भी दिन खाली नहीं रहते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिए तो ठीक है, जब समय मिलेगा तब को मौका अवश्य दूंगा। फिर भी दिसंबर के लास्ट महीने में इनके कार्यक्रम की इतनी व्यवस्था बन गई कि उन्होंने समय को थोड़ा देर के टाल दिए, हम भी निराश हो गए। लेकिन नौ जाने भगवान ने इनके ऊपर कैसी इनकी मति सदमति में यहाँ के लिए बदल दी। यहाँ के लिए इन्होंने अपने से स्वतः फोन करके मुझे बताई कि मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगी, और इन्होंने अपना मूल समय हम लोगों के बीच दी है। और मैं माननीय श्री कल्पना यादव जी को ये कहना चाहूंगा, ये तो उन्हीं की कृपा से हो रही है, कोई व्यक्ति से करने वाले नहीं है। और आप सबों का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, पूरे समाज का आशीर्वाद सदा निरंतर मिलता रहे, क्योंकि तो का धार्मिक स्थान बीच बीच में होता रहे। आपने तो बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि कथा का प्रसाद आप लोग अपने आंचल को फैला कर लेकर घर जाइए और घर घर में पूरे परिवार में इसको बांटिए, ये तो बहुत सुंदर उक्ति है, ऐसा होना ही चाहिए। तभी कथा में आना और कथा का सुनना सार्थक होगा। हमारे भी हमारे पूर्व विधायक श्री संजय प्रसाद यादव जी जो नहीं आ सके हैं, उन्हीं के धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना यादव जी आए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, और आएंगे जो क्यों नहीं, आई नारियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है। और मैं अपने व्यासदेव जी महाराज की व्यासपीठ की ओर से भी यह लोग भगवान से भी हार्दिक इच्छा व्यक्त करते, अपनी कामना व्यक्त करते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद इनके ऊपर मिले और ये पुनः गोड्डा का प्रतिनिधित्व करें। इन्हीं रस्मों के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये तीसरा कार्यक्रम इन्होंने किया और इन्होंने जब हमको बोला तो हम आप लोग के बीच उपस्थित हुए। हम आज भी आप लोग को विश्वास दिलाते हैं इस पंचायत के अंतर्गत आप लोग का प्रोग्राम होगा, हम निश्चित आप लोग के बीच आएंगे। धन्यवाद।